Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Well, first of all, thank you so much for loving my first Meesho haul video. ये मेरा पहला video है जो वायरल हुआ है. ऑलमोस्ट इस पे 75K व्यूज हो गए हैं. आई गेन सो मेनी सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच. एंड जिसने भी नहीं देखा है, गो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. सो आज का वीडियो टाइटल से पता चल गया होगा कि ये होने वाला है मेरा फर्स्ट मीशो फुटवेयर हॉल वीडियो. सो दिस इज गोइंग टू बी अ फुटवेयर हॉल वीडियो. एक और बात, प्रीवियस वीडियो में सबने बहुत सारा कमेंट किया था कि आप बहुत स्लो बात कर रहे हो, तो ये वाले वीडियो में मैं ट्राई करूंगी स्पीक लाउडली. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये वाली वीडियो के लिए, बिकॉज जो फुटवेयर आए हैं ना मीशो से, ओ माई गॉड, दीज ऑल आर, आगे बताती हूँ मैं कि वो कैसे हैं सब. बाय द वे, ये इतने सारे बॉक्सेस हैं मेरे पास. आई एम गोइंग टू शो यू वन बाय वन. सो आर यू रेडी? ओके, सो नाउ विदाउट फर्दर टॉक, लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड. बाय द वे, सब इसमें जो भी हैं सब हील्स हैं. सो मैंने नोट बनाया है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू प्राइजेज एज वेल. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेट्स ओपन दिस. आई जस्ट लव दिस वन. सबका ट्राई ऑन वीडियो है, यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं आपको दिख रहा होगा. सो फर्स्ट आई हैव दिस पिंक कलर का हील. आई विल लुक एट दिस. दिस इज अमेजिंग. ये पिंक कलर का हील्स है एंड इसमें चार कलर अवेलेबल थे. फर्स्ट ये पिंक कलर एंड सेकेंड ब्लैक था, ब्लू था एंड बेबी पिंक था. ओके, सो मुझे इसका रिव्यू ज़्यादा अच्छा लगा. सो आई गॉट दिस एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी. इतनी अमेजिंग क्वालिटी है इतनी कम प्राइस में. आई मीन जस्ट वाव. ऊपर ये वेलवेट मटेरियल है बट ये बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा. इट्स नॉट लुकिंग चीप एट ऑल. ये पहनने के बाद बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं लगता है. 3 inches की हील्स है एंड पीछे से ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल प्लेन है तो स्लिप होने के चांसेस रहेंगे. नो, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ग्रिप दिया है. तो इसमें मेरी साइज है 5 एंड मुझे ये हील्स बहुत पसंद आए. आई मीन आई जस्ट लव देम. जितने भी हील्स फुटवेयर मैंने ऑर्डर किए हैं ना, सबके कलर्स दे आर वेरी कलरफुल एंड वाइब्रेंट एंड फंकी से हैं. ये मुझे जस्ट अभी दिखा है ये कि ये ना यहाँ से इफ यू कैन सी थोड़ा सा ब्रेक हुआ दिख रहा है. बट आई विल मैनेज. इतनी कम प्राइस में क्या ही चाहिए. मेरी साइज है इसमें, इंडियन साइज है 5 एंड द प्राइस इज 471 rupees. दिस इज गोइंग टू बी माई फेवरेट. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट इज दिस ब्लैक वेचेस. वाओ, मीशो खुश कर देता है सच्ची में. मतलब अनएक्सपेक्टेड. दिस इज वेरी नाइस. ओ माई गॉड, दिस इज रियली वेरी नाइस. सो इसमें सिर्फ एक ही कलर अवेलेबल था एंड इसमें मेरी साइज है 5 एंड प्राइस में बताती हूँ. ओके, सो ये ब्लैक कलर का वेजेस है. इसको आप इंडियन वेयर के साथ बहुत अच्छे से जाएगा. इंडियन वेयर के साथ मतलब ओ माई गॉड, बहुत अच्छे से जाएगा. एंड इसकी जो क्वालिटी है
इतनी अच्छी है ना, मतलब ये स्टडी एकदम पीछे ऐसा अच्छा सा ग्रिप दिया हुआ है, बिल्कुल स्लिप नहीं होगा, कहीं भी पहन के जा सकते हो एंड पहनने पे बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके साथ यहाँ पे गोल्डन कलर की स्ट्रिप दी हुई है, आप फिनिशिंग देख रहे हो, इतना प्यारा है। एंड ये सिर्फ 399 रुपीज़ का है, प्राइस के हिसाब से आप देख रहे हो, क्वालिटी देख रहे हो, मतलब बहुत ही अच्छा वेजेस है। आई मीन यू डेफिनेटली कैन ट्राई दिस आउट, ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी नाइस, लाइक लिटरली आई लाइक दिस। डेफिनेटली इसको मैं इंडियन वेयर के साथ पेयर करने वाली हूँ। सी आई रियली लाइक दिस, रियली रियली लाइक दिस, इफ यू वॉन्ट जस्ट गो फॉर इट, लेट्स मूव। ओके सो नेक्स्ट आई हैव दिस नियॉन ग्रीन हील्स, इट्स राइट, ओह माय गॉड, सी द कलर। एज आई टोल्ड यू कि मैंने इस बार बहुत ही वाइब्रेंट कलर ट्राई किया है, दिस इज माय थर्ड हील्स फ्रॉम मीशो। इसकी हील्स ऑलमोस्ट 3 इंचेस हैं, पहनने के बाद बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। एंड इसमें आई थिंक 3 कलर्स अवेलेबल थे, ब्लैक नहीं, या 3 कलर्स थे, ब्लैक, वाइट एंड दिस नियॉन ग्रीन कलर का। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, सो आई गॉट दिस। इसमें मेरी साइज है 5, इंडियन साइज 5, एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, पहनने के बाद बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं लग, एज यू कैन सी यहाँ पे प्लेन नहीं है, थोड़ा सा ग्रिप दिया हुआ है, यहाँ पे भी ग्रिप है, सो आप स्लिप नहीं होगी। सो ये भी आपके इंडियन वेयर के साथ, वेस्टर्न वेयर के साथ, मैं इसको जीन्स के साथ ज़्यादा पेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये आई थिंक बहुत ही अच्छा लगेगा जीन्स के साथ। सो या ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट दिस वाइट ब्यूटी, ओह माय गॉड, ओह वाओ। सो ये नेक्स्ट मेरे पास है हाई हील्स, ये थोड़ा सा हाई हील्स है, मैं इतना ज़्यादा हाई हील नहीं पहनती हूँ, बट दिस टाइम आई हैव टेकन रिस्क एंड मैंने ऑर्डर किया ये वाइट कलर का म्यूल्स। आई थिंक यहाँ से ये वेजेस है, यहाँ से ये पूरा हील है, ऑलमोस्ट 4 इंचेस की हील्स है एंड पीछे आप ग्रिप देख रहे हो, ओ माय गॉड। इसमें सिर्फ एक ही कलर अवेलेबल था, पीछे इतना अच्छा ग्रिप है ना, मतलब भाग सकते हो आप इसको पहन के, इतना कंफर्टेबल है। प्लास्टिक है एंड ये स्टेडी नहीं है, ये बहुत कड़क नहीं है, थोड़ा कुशन कुशन टाइप का है, सो पहनने पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप कभी हील्स नहीं पहनते हो इतना ज़्यादा, यू मस्ट ट्राई दिस, यू विल लाइक इट। एंड इसकी प्राइस है 467 रुपीज़, मुझे ये 467 रुपीज़ में मिला। आई जस्ट लव दिस, लव लव दिस हील्स, एंड अगेन यू कैन पेयर इट विथ योर इंडियन वेयर, योर वेस्टर्न वेयर, ऑफिस वेयर, किसके साथ भी ये जाए। 467 रुपीज़ में You got this? I just love it, love it. मतलब इस बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी भी हील्स में कोई शिकायत है ही नहीं, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि उसमें क्या खराबी है। Let's move to our last heel, जो कि है block heel. See this. सो ये मेरा लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज सिमिलर टू दिस, बट इसकी हील्स पेंसिल हील है और ये ब्लॉक हील्स है। इसका जो मैंने फोटो देखा था वो पूरा ब्राउन कलर था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बट ये मुझे रिसीव हुआ है पिंकिश कलर में, नॉट बैड, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा है, बट ये अगर ब्राउन कलर होता तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता, बट आई लाइक इट। इसमें भी 3 कलर अवेलेबल थे, ओके सो एक ब्लैक, स्काई ब्लू एंड ब्राउन। इसका रिव्यू मैंने देखा तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सो आई ऑर्डर्ड दिस। दिस ब्यूटीफुल ब्लॉक हील, यू कैन पेयर इट विथ एनी थिंग यू वॉन्ट, लाइक
डेली वेयर कर सकते हो आप। यहाँ पे प्लेन नहीं है, थोड़ा सा ग्रिप दिया हुआ है, यहाँ पे भी ग्रिप है। पहनने के बाद ये कंफर्टेबल है, आई रियली लाइक देम। इसकी प्राइस है 500। सबसे जितनी भी हील्स है ये उनमें से थोड़ा एक्सपेंसिव है 500 का, बट दिस इज नाइस। सो इफ यू आस्क मी मुझे सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया इसमें, सो आई वुड से कि दिस एंड दिस आई विल हाईली रिकमेंड। वैसे तो जितने भी हील्स हैं सब बहुत ही अच्छे आए हैं, अगर आप सब मंगाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट, दे आर अमेजिंग। बट इफ यू आस्क मी माई फेवरेट तो इट वुड बी दीज टू, आई रियली लाइक देम। इसमें मेरी साइज 5 है। इफ़ यू लाइक इट प्लीज गो फॉर इट, आँख बंद करके, दीज आर अमेजिंग। दिस वॉज इट फॉर माई वीडियो, hope you like it, and if you like the video please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for loving my previous video. उसकी वजह से मुझे motivation मिला है तो मैंने ये सब order करा है, and please ऐसे ही motivate करते रहिए मुझे। मैं अच्छी अच्छी सारी चीज़ें लेके आऊँगी आपके लिए, अच्छे अच्छे haul लेके आऊँगी, अच्छे अच्छे videos लेके आऊँगी। Thank you so much, and मैं ना अपने घर में थोड़ा बैकग्राउंड खोज रही हूँ, कहीं पे मुझे अच्छा बैकग्राउंड मिले जहाँ पे मैं शूट कर सकूँ। सो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा रूम है, आगे आई ट्राई टू शूट विथ सम गुड बैकग्राउंड। सो या थैंक यू सो मच, वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वन। सो या बाय बाय।